हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। आज का टॉपिक है कि यूडाइस 2023-24 के लिए अब फिडिंग स्टार्ट हो चुकी है। यूडाइस 2023-24 को भरने से पहले इसमें एक न्यू अपडेट आया है, जिसमें आपके जो पिछले सत्र 2022-23 के जो स्टूडेंट्स थे, उन्हें आपको यूडाइस पोर्टल के माध्यम से प्रमोट करना है और प्रत्येक बच्चे को करना है। अगर कोई टीसी लेके गया है तो उसकी डिटेल आपको वहाँ फीड करनी है। प्रत्येक क्लास वाइज आपको सारा डाटा वहाँ पे फीड करना है, जिसे हम प्रोग्रेशन मॉड्यूल कहते हैं। आइए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें सबसे पहले यूडाइस टाइप करना है, यूडाइस प्लस। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक मॉड्यूल आएगा, उसके बाद हमें यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमें अलग अलग तरह के मॉड्यूल दिखेंगे। यहाँ हमें सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल में स्टेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करने के बाद आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पे आपको स्टेट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके यूडाइस प्लस पोर्टल के जो भी आईडी पासवर्ड है उनको आपको यहाँ पे इंसर्ट करना है। मैं पासवर्ड डाल देता हूं यहां पे। यूजर आईडी में आपकी यूडाइस नंबर लगेंगे, उसके बाद पासवर्ड डालना है आपको। उसके बाद हम कैप्चा कोड डालेंगे। उसके बाद हमें यहां पे लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही कुछ ही देर में हमारे पास यूडाइस प्लस स्टूडेंट डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे हम बोलते हैं, उसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहां हमें दो एकेडमिक ईयर मिलेंगे, 2022-23 एंड 2023-24। 2022-23 की हमने जो फीडिंग थी उसका कार्य पिछले वर्ष संपादित कर लिया है। अब हमें 2023-24 पे चलना है। इस पे क्लिक करेंगे, यहां गो टू 2023-24 पे। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने स्कूल की इन्फॉर्मेशन प्रदर्शित हो जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन भरने से पहले आपको ये चेक कर लेना है कि जो आपकी स्कूल की इन्फॉर्मेशन है वो यूडाइस के पोर्टल पर वो अपडेट हो गई है या नहीं हुई है, या वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो उसको चेक करने के बाद ही आपको सारी फीडिंग का कार्य करना है। मान लीजिए आपका कोई स्कूल क्रमोन्नत हुआ है तो आपकी अभी यहाँ क्लास दिख रही है 1 to 5, तो उसे 1 to 8 होना चाहिए। यहां अभी हम इसको क्लोज कर देते हैं सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद। इसके बाद हम चलेंगे यहाँ पे, हमें बहुत सारे तरह के मॉड्यूल दिख जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे जो भी स्कूल डिटेल्स है, यहाँ पे ग्रेड वाइज 2023-24 के लिए टोटल बॉयज, टोटल गर्ल्स एंड टोटल ट्रांसजेंडर यहाँ पे 0 प्रदर्शित हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि आपको जो 2022-23 के बच्चे हैं, पहले उनको प्रमोट करना है स्टेप बाय स्टेप। उन्हें किस तरह हम प्रमोट करेंगे, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। स्कूल प्रोफाइल, लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, सेक्शन मैनेजमेंट और प्रोग्रेसिव एक्टिविटी। यहाँ पे हमें प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम प्रोग्रेशन एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे आपके पास तीन तरह के नए मॉड्यूल प्रदर्शित हुए हैं, जिसमें हमें सबसे पहले फर्स्ट मॉड्यूल पे काम करना है, जिसका नाम है प्रोग्रेशन मॉड्यूल। इसके नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पे गो एंड व्यू समरी। एक बार हम व्यू समरी पे क्लिक करके देखते हैं। व्यू समरी पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आपके जो पिछले साल जितने भी स्टूडेंट थे उन सबका डाटा आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो जाएगा। आप इनका या तो प्रिंटआउट निकाल लीजिए या आपके पास रिकॉर्ड होगा वैसे भी, ताकि आप जब भी कार्य करें तो इसकी मदद से आप कर सकें। अब हम वापस से बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद प्रोग्रेशन मॉड्यूल में हम यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करेंगे। गो बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सबसे पहले ऑप्शन आएगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट एलिजिबल फॉर प्रमोशन फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2022-23 टू 23-24। इसका मतलब है कि हम पिछले साल से इस साल के लिए उन बच्चों को क्रमोन्नत कर रहे हैं। जो बच्चे टीसी ले गए हैं उनकी भी फीडिंग हमें यहाँ पे करनी है। बताऊंगा मैं कैसे करनी है। यहाँ हमें सबसे पहले क्लास फर्स्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। क्लास सेलेक्ट करनी है, यहाँ से फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें यहाँ पे गो बटन पे क्लिक करना है।
गो बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखेंगे कि सबसे पहले हमें ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट कोड। अब सभी स्टूडेंट्स के नेशनल कोड जारी हो गए हैं, वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और स्टेट कोड भी यहाँ से जारी हो गए हैं। इस तरह आप इन बच्चों को ट्रैकिंग भी कर सकते हैं, कोई भी इन बच्चों की ट्रैकिंग कर सकता है इजिली नेशनल कोड एंड स्टेट कोड के बिहाफ पे। अब हमें क्या करना है, ये जो स्टूडेंट की डिटेल है, ये सारे 22-23 के बच्चे हैं, अब इन्हें हमें यहाँ से प्रमोट करना है। तो प्रमोट करने के लिए हम पहले स्टूडेंट को ही ले लेते हैं यहाँ पे, जो हमें दिख रहा है। यहाँ हमें उसकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, सारी डिटेल जो हमने पिछले साल फीड करी थी वो दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें मिलेगा प्रोग्रेशन स्टेटस, इस पे हमें सबसे पहले क्लिक करना है। यहाँ देख लीजिए 2022-23 लिखा हुआ है। यहाँ पे हमें पांच तरह के ऑप्शन मिलेंगे, प्रमोटेड, नॉट पास्ड, प्रमोटेड विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। यहाँ कर अगर ये बच्चा प्रमोट कर दिया है आपने सेम स्कूल में, तो आपको यहाँ पे प्रमोटेड पे क्लिक करना है। और अगर ये बच्चा रिपीटर है, आपने वापस से उसी क्लास में उसको एडमिशन कर दिया है, तो आपको रिपीटर बाय चॉइस करना है। बाकी जो तीन ऑप्शन है वो आप समझ सकते हो इजीली। यहाँ पे अभी सबसे पहले हम इस बच्चे को प्रमोट करेंगे। प्रमोट करने के बाद हमें यहाँ पे इसके मार्क्स डालने हैं, वो भी परसेंटेज में। इसकी परसेंटेज डाल देते हैं यहाँ पे, परसेंटेज डालने के बाद हमें यहाँ पे नंबर ऑफ डेज स्कूल अटेंडेंट 2022-23, इसका मतलब है कि 2022-23 में बच्चा कितने दिन स्कूल आया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। टोटल मतलब कुल मिला के आपको उसकी उपस्थिति यहाँ पे डालनी है, वो आप डाल देंगे यहाँ पे। उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे, स्कूलिंग स्टेटस 2023-24, क्योंकि आप बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं तो 23-24 के लिए करना पड़ेगा। यहाँ आपको दो तरह के ऑप्शन मिलते हैं कि स्टडिंग इन सेम स्कूल। पहले ऑप्शन का मतलब ये है कि वो बच्चा प्रमोट होने के बाद उसके अगली वाली कक्षा में आपके विद्यालय में ही अध्ययनरत है। और दूसरा ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विद टीसी ऑब्लिक विदाउट टीसी। अगर वो बच्चा यहाँ से पहली कक्षा में प्रमोट होने के बाद टीसी ले गया है या नहीं लेके गया है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और वो बच्चा आपके यहाँ नहीं पढ़ रहा है, तो अभी हम वो बच्चा हमारे स्कूल में ही अध्ययनरत है। अब आप देखेंगे जो फर्स्ट क्लास की हम डिटेल फीड कर रहे थे, तो ऑटोमेटिक आप यहाँ देखेंगे क्लास सेकंड आ गया है। इसका मतलब है वो बच्चा क्लास सेकंड में प्रमोट हो गया है। अब आपको यहाँ पे सेलेक्ट सेलेक्ट करना है, यहाँ पे हम स्टडिंग इन सेम स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमें उसके बाद सेक्शन वाले मॉड्यूल में जाना है, और सेक्शन वाले मॉड्यूल में हमें यहाँ पे सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ हमने सेक्शन सेलेक्ट कर लिया है। अभी यहाँ स्टेटस क्या आ रहा है, देखिए पेंडिंग आ रहा है। इसके बाद यहाँ दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे हमें यहाँ पे, अपडेट एंड करेक्शन। अभी हमें यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करना है। अपडेट पे क्लिक करने के पहले आप इसकी इंफॉर्मेशन सारी चेक कर लीजिए कि ये बच्चा अपडेट है या नहीं है। इसकी जो इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर रहे हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन इसकी सही है या नहीं है, तो आप इसको यहाँ से देख लीजिए। आपको सिंपल यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अपडेट बटन पे इस पे क्लिक करेंगे, तो इसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपडेट हो जाएगी और यहाँ स्टेटस आ जाएगा डन। इस तरह आपको स्टेप बाय स्टेप प्रत्येक स्टूडेंट की यहाँ पे एंट्री करनी है, और एंट्री करने के पश्चात यहाँ पे आपको नीचे की साइड ऑप्शन मिलेगा। जब आप इस क्लास में अध्ययनरत सभी स्टूडेंट्स की एंट्री कर लेंगे, तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइनलाइज का। उसके बाद ये सारे स्टेटस जब यहाँ डन हो जाएं, तो आपको यहाँ पे सिंपल फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे, तो इस क्लास में जो भी अध्ययनरत स्टूडेंट थे उनकी सारी डिटेल यहाँ पे फीड हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, वापस से सेकंड क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है एंड गो बटन पे क्लिक करना है। गो बटन पे क्लिक करेंगे तो पिछले साल जो भी सेकंड क्लास में विद्यार्थी थे उनका डाटा आ जाएगा। इस तरह आपका विद्यालय अगर प्राथमिक है, उच्च प्राथमिक है, प्रवेशिका है या वरिष्ठ उपाध्याय 12th तक है, सीनियर सेकेंडरी है, तो आपको यहाँ पे सारी क्लासेस की एंट्री, प्रत्येक स्टूडेंट की एंट्री करनी है और नीचे जाके फाइनलाइज बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप फाइनलाइज बटन पे क्लिक करेंगे, सारी क्लास की फाइनलाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको वापस से यहाँ पे प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाना है। और प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे आपको फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फाइनलाइज प्रोग्रेशन पे क्लिक करेंगे, आपकी इस मॉड्यूल की सारी एंट्री यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह हमें प्रोग्रेशन मॉड्यूल में जो भी 2022-23 सत्र के बच्चे हैं उनकी एंट्री हमें यहाँ पे करनी है, प्रत्येक क्लास वाइज करनी है।
और लेकिन अगर आपको जो भी एंट्री करनी है उससे पहले आपकी जो भी कैटेगरी है स्कूल की, यूडाइस नंबर, सारी चीज़ें आप पहले चेक कीजिए, उसके बाद ही आप इस मॉड्यूल में काम करना स्टार्ट कीजिए। बाकी जो मॉड्यूल हैं उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानकारी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।